मेरे साथ मौजूद है फयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाएं। फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज टीवी के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे आप इमरान खान साहब की मुबैन ऑडियो लीक्स एक और मंजर आम पर आ गई, जिसमें वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं? फयाजुल हसन साहब, मान रही अभी आपके शायद नून लीग के भी स्पोक्स पर्सन थे, आपके साथ बैठे हैं, जिन्हें आपने भी लिया हुआ था, वो कहते हैं बड़ी खतरनाक बात है ये, मैं सत्य जाऊं इतनी खतरनाक बात है। वो जो सरेआम जनाब सेनेट के इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी का एक साबिक वजीर आजम के बेटे जनाब फ्रीजो फ्रोक कर रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए, जो आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर आपने सरेआम डंके की चोट पे सूरज की रोशनी में, चांद की जनाब की रोशनी में आपने 20 जनाब लोटे तैयार किए, उन लोटों को सिंध हाउस में लेके गए, 20-20 करोड़ से लेके 40-40 करोड़ में खरीदा, वो तो बहुत बुरी बात है। आप ये कह रहे हैं कि तुम गलत करते हो तो मैं भी गलत करता हूं, मुझ पे जायज है ये कहना फयाज़? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये आप कह रही हैं। नहीं तो मैं तो आपसे पूछ रही हूं, अभी अभी बात मेरी पूरी नहीं ना हुई, आपने पहले करे सुन लेना। तो जो इतनी बुरी बात उनको और बुरी चीज नजर आ रही थी, पहले तो जरा अपने गिरेबान में जाते हैं ना, फिर उसके बाद करें। अब जो आ गई ना आपकी ये ऑडियो लीक, जनाब अकल का जो अंधा भी होगा ना, जिसको दानिश से फारिग होगा, समझ से बिल्कुल लूला लंगड़ा होगा, उसको भी नजर आ रहा है कि ये मुख्तलिफ मौके के ऊपर मुख्तलिफ ऑडियो क्लिप्स हैं, उनको जोड़ के एक किया गया, और फिर जो वीडियो पूरी की पूरी लॉन्च की गई उसके सब टाइटल के अंदर 3 या 4 जगहों पे वो लिखा गया है कि जो कम अज कम बोला नहीं गया, जो क्लिप के अंदर नहीं है लेकिन नीचे सब टाइटल के अंदर वो दे दिया गया। और ये डर्टी पॉलिटिक्स करना छोड़ देंगे, आज लॉन्ग मार्च के ऐलान हो रहे हैं, इनकी चीखें निकली हुई हैं, इनकी चीखें निकली हैं, और आज इन्होंने उस लॉन्ग मार्च के जो ऐलान होने से पहले अपनी तरफ से ये बहुत बड़ी जनाब इन्होंने तुरम खानी की है कि शायद इमरान खान साहब की इज्जत और वकार डैमेज हो जाएगी। नहीं, ये इनकी गलतफहमी है, ये अहमकों की जन्नत में इस वक्त रह रहे हैं, बेगम रहे इंशाल्लाह, आवाम इनसे अक्की फक्की बैठी हुई है, 13 गीदड़ों की जमात पीटीएम से, ठीक है, इस किस्म की हरकतों से इमरान खान और पीटीआई की पॉपुलैरिटी वो खत्म नहीं होती। आप क्या फरमा रहे हैं फयाजुल हसन चौहान साहब कि कौन सी बात है जो ऑडियो लीक्स में नहीं है और सब टाइटल में दे दी गई है? मैं ठीक तरह से सुन लेता हूँ। इसमें 2-3 जगहों पे सब टाइटल के अंदर कुछ और बयान किया गया है और अंदर जो है वो चीज वो बयान नहीं की गई, ठीक है ना। बाकी आप मुझे ये बताएं, 5 ले लें 5 ले लें, आपको क्या पता वो 5 क्या है, वो MNA है या वो कोई भी चीज है, जानदार बेजान कोई भी चीज है, अपनी तरफ से मतलब निकाल के जाना। लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं, एक MNA भी तोड़ देता है ना तो हमें बड़ा फर्क पड़ेगा। MNA का लफ्ज यूज ही नहीं हुआ, आपको किसने कहा इस पूरी वीडियो में MNA आया है ऑडियो में? MNA का वर्ड यूज नहीं हुआ इसमें फयाजुल हसन चौहान साहब, सब टाइटल में 5 का लफ्ज और सब टाइटल अपनी तरफ से दे रहे हैं ना। अच्छा, यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने मेरी बात तो ऑन कर लिया ना, आप मेरी बात तो ऑन कर गई, मैं पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, आगे क्वेश्चन मार्क, आपका टीवी चैनल है, आपको समझ आनी चाहिए किस इशू के हवाले से क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो ये सारी ड्रामेबाजी है, इस ड्रामेबाजी से किस होता, वो कहने रहे ना पकड़िया ने छोड़ के उड़ दिया पीछे जाना, हाँ सुनिए आपने जो अच्छा, आपके मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है ना फयाजुल हसन चौहान साहब, मैं वो 5 मैं खरीद रहा हूँ, 5 मेरे पास है तो ये MNAs नहीं, आप ये कह रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, क्या है क्या हो सकता है, कोई भी जी 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 वही मैं भी कह रही हूँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो चीजें क्लियर है वो नूर आलम खान से लेके वो जो 20 लोटे और 25 लोटे यहाँ पे जनाब पंजाब के अंदर जो बनाए गए थे, जिनको जनाब वो लेलों की तरह और बकरियों की तरह और डोंबों की तरह जनाब चलाते हुए कभी एक होटल से दूसरे होटल, कभी दूसरे होटल से तीसरे होटल खाते फिरते थे, वो तो सरेआम सबको पता था, उसके ऊपर तो कोई चीज नहीं, उसके ऊपर तो कोई चीज नहीं ना, उसके ऊपर तो ना जुबैर खान साहब को कोई बुरी चीज लगी, ना कोई अफसोस हुआ, ना किसी और को। तो मैं ये समझता हूँ ये डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, इससे इमरान खान साहब की शोहरत इज्जत वकार को कुछ नहीं होता, जरा पैगाम रहेगी बस, लॉन्ग मार्च की जरा संभालने की तैयारी करें और इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च जब स्टार्ट हो जाएगा ना फिर से पूछेंगे हरा समंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। लेकिन हुकूमती वज़रा तो ये कर रहे हैं कि ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि या ये ओपनर साबित हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और उनके वोटर्स के लिए। बात ये है हर दिन ईद और हर रात शबरात नहीं होती, 25 मई को तो चलो जो हो गया ना, अब इस वक्त चारों तरफ से जब लाखों लोग आएंगे ना पाकिस्तान का झंडा उठा के, जुग जुग जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आग कतारा पाकिस्तान, अव्वल वाकिफ पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान का नारा लगाते हुए जब आएंगे तो ये डॉलर और डीलर्स की गोद में बैठ के आने वाली ये इंपोर्टेड हुकूमत है ना, फिर इनसे हम पूछेंगे कि चलो हूं दसो की लाख ने
और राणा सनाउल्लाह को जगह मिल गई ना छुपने की, तो फिर आप मुझे कहिएगा। वो आपको ये कह रहे हैं कि अगर जगह मिल गई छुपने की तो तैयारी भी पूरी है राणा सनाउल्लाह साहब। रोशनी का फैसला जिस पीए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, ठीक हो गया। चलो कर लेते हैं शुरू। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैयाज़ुल हसन चौहान साहब, आपने वक्त निकाला ऑडियो लीक।